नागरिकता कानून और दिल्ली में छात्रों पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में हुई हिंसक घटनाओं में सूबे की पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धरपकड़ तेज कर दी है। विरोध के नाम पर अराजक तत्वों द्वारा लखनऊ, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर और मऊ समेत कई जनपदों में भयानक हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया गया था। इनमें तोड़फोड़ और पथराव के साथ पुलिस पर भी हमले की घटनाएं शामिल हैं। अब ऐसे आरोपियों की फुटेज और फोटो के आधार पर चिन्हित करने की कार्रवाई के साथ ही मामले में 18 मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। दर्ज मुकदमों के आधार पर पुलिस ने चिन्हित हुए लखनऊ के दो आरोपियों समेत पूरे प्रदेश में 113 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। आईजी कानून व्यवस्था प्रवीण कुमार त्रिपाठी के मुताबिक मामले की जांच जारी है और किसी को भी कानून को हाथ में लेने का हक नहीं है। अगर कोई भी इस तरह की कार्रवाई में लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही प्रवीण कुमार ने यह भी बताया कि जिला प्रशासन को अधिकार है कि हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवा को वह बहाल कर सकता है या फिर उस पर रोक लगा सकता है। छात्रों की स्थिति, पहली चीज मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं, अभी उसमें चिन्हांकित किए गए हैं, वो अभी बाहरी लोग हैं, जो छात्र नहीं हैं, परंतु उस परिसर के बाहर के रहने वाले हैं। विवेचना के क्रम में यदि ऐसी स्पष्ट होती है कि कुछ छात्र भी इस रूप से प्रभावित रहे हैं या इस रूप में रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनका भी उत्तरदायित्व निर्धारण किया जाएगा। देखिए, कर्फ्यू पूरे प्रदेश में कहीं नहीं लगाया गया है। नंबर एक, 144 सीआरपीसी के आदेश पूरे प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अयोध्या वर्डिट के समय से ही था और उसी परिप्रेक्ष्य में वो पूरे प्रदेश में विभिन्न रिलैक्सेशंस, विभिन्न जो शर्तों में शिथिलता रखी जाती है उसको कमोबेश वो 144 सीआरपीसी का वो आदेश विभिन्न जनपदों में प्रभावी है। अमिताभ चौबे, जनमत न्यूज, लखनऊ।